विकास गुरु श्री अरविंद केजरीवाल जी का क्या संदेश है, हम मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्रभारी परम आदरणीय श्री संजीव झा जी को, आए और अपने तनखा बिंदु से हम सबको प्रेरित करें। संजीव झा जी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे सबसे पहले आज हीरालाल साधुराम सेवा कुंज में जो ये जनसंवाद का आयोजन किया गया है, इस जनसंवाद में शामिल हमारे राज्य के प्रदेश अध्यक्ष कोमल उपेंडे जी, अभी अभी नवनियुक्त लोकसभा अध्यक्ष मनोज दुबे जी, लोकसभा सचिव इसदोर तिर्की जी, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता जी, जिला सचिव रवि जायसवाल जी और तीनों विधानसभाओं से प्रेम नगर, प्रताप नगर, भटगांव तीनों विधानसभा से आए सभी कार्यकर्ता साथीगण, और लगातार मैं पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में जा रहा हूं। हमारे साथ प्रदेश के सभी शिशु पदाधिकारीगण हमारे साथ चल रहे हैं, भानुचंद्रा जी, दुर्गा झा जी, जसवीर जी, उत्तम जायसवाल जी, गोपाल साहू जी, रविंदर ठाकुर जी, प्रकाश जी, उपाध्याय जी, मुन्ना बिशेन जी, विशाल जेविंदर भाई और जितने भी साथी चल रहे हैं सभी हमारे कार्यकर्ता साथीगण, आज पहली बार मैं आपके जिले में हूं और आप सबसे संवाद करने का मौका मिल रहा है। इसी महीने हम सब लोगों ने अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया और मुझे खुशी हुई कि आज के इस जनसंवाद में बाबा साहब को माल्यार्पण कर मुझे आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। मुझे लगता है कि जब हम बाबा साहब के प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं तो बाबा साहब हमेशा कहते थे कि अगर कोई जुल्म कर रहा है तो जुल्म करने वालों से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनाहगार होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बाबा साहब के उन शब्दों को भी आप साथ करेंगे। मैंने आज आदिवासी पारंपरिक नृत्य देखने का मौका मिला, शुवा नृत्य और दूसरे को क्या कहते हैं, सहवा नृत्य। मुझे ये लगता है कि अब अगर अपने देश की भी बात करें तो अगर पुरातन संस्कृति को कोई अगर बचा कर रखा या समृद्ध कर रहा है तो वो आदिवासी है। विकास के क्रम में हमने अपने संस्कृति को, अपने संस्कार को छोड़ दिया और जो अपने संस्कृति को और संस्कार को छोड़ दे वो अपनी सभ्यता से दूर हो जाता है। तो मैं आप सभी को साधुवाद देता हूं और सभी कलाकार जो आप लोगों ने पारंपरिक नृत्य का यहां पर प्रदर्शन किया, मैं आपको धन्यवाद करता हूं और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी धन्यवाद करता हूं जिस तरह से सहला नृत्य में आकर अपनी पार्टिसिपेशन दिया, जिस तरह से झूम रहे थे, मैं आपको विशेष साधुवाद देता हूं। और मैं उम्मीद भी करता हूं इसी तरह से राज्य को ही नहीं बल्कि अपने संस्कृति सभ्यता को भी सहेज कर रखने की।
लेकिन आज मैं आपके बीच में कुछ विशेष कारण से हूं। बहुत विस्तार से अभी कोमल भाई ने बताया कि जब हम इस सभागार में आज उपस्थित हैं तो उसका उद्देश्य क्या है। आखिर हम इस सभागार में क्यों बैठे? मुझे लगता है कि आप जितने लोग यहां बैठे हैं, आपको अपने समाज की चिंता है, आपको अपने राज्य की चिंता है, आपको अपने लोगों की चिंता है, और आप यह भी मानते हैं कि जो कोमल भाई कह रहे थे कि जिन जिन लोगों को सत्ता मिली वो सत्ता के बाद केवल लूटने का काम किया, किसी ने जनता की भलाई के लिए काम नहीं किया। तो आप सब लोगों ने ये जिम्मेदारी लेने के लिए यहां आए, यह जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अब सत्ता का ये लूट हम चलने नहीं देंगे। आप ये जिम्मेदारी लेने के लिए आए कि छत्तीसगढ़ जिस उद्देश्य से बनाया गया था, जिन लोगों ने जिन सपनों को लेकर संघर्ष किया था, अब उनके सपनों को हम पूरा करें। 22 साल होने का राज्य बने हुए, आखिर ये राज्य क्यों बनाया गया? राज्य बनाने का उद्देश्य तो यही था ना कि छत्तीसगढ़ का अगर किसी सरकार का ध्यान नहीं था तो अगर ये राज्य बन जाएगा, अगर छत्तीसगढ़ के निवासी सत्ता में आएंगे तो छत्तीसगढ़ के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच पाएगा। अगर अपने लोग सत्ता में होंगे तो यहां जल जंगल की जमीन की लूट नहीं होगी। जिस खनिज संपदा के लिए धरती जानी जाती है वो खनिज संपदा सुरक्षित रहेगा, यहां का जंगल सुरक्षित रहेगा। लेकिन मैं देखता हूं कि 22 साल राज्य बने तो हो गए, लेकिन इस 22 साल में इस रत्न गर्भा धरती की लूट और इनका दोहन हो गया। पूरे देश में केवल हम छत्तीसगढ़ ही एकमात्र राज्य जिनको हम मां कहते हैं। आज छत्तीसगढ़ महतारी भी रो रही है, उनको लग रहा है कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता दिया उन्होंने हमारे लोगों को ही, हमारे बच्चों का ही शोषण करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ महतारी को आप मानते हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि अब ये शोषण हम नहीं होने देंगे, ये लूट नहीं होने देंगे। इस जिम्मेदारी के लिए आप सब लोग यहां इकट्ठा हैं। यहां की जनता ने दोनों पार्टियों को मौका दिया, बीजेपी को मौका दिया 15 साल लूटा, कांग्रेस को मौका दिया 15 साल के बीजेपी के लूट रिकॉर्ड को तोड़ दिया। मैं मानता हूं कि अभी तक लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, करे तो करे क्या, बीजेपी से परेशान थी कांग्रेस को मौका दिया, अब कांग्रेस से परेशान है, अब आपके सामने जनता के सामने एक विकल्प है, एक ईमानदार पार्टी है। और ये ईमानदार पार्टी जो दिल्ली में सत्ता जिनकी है, सत्ता आपकी है, उसके विकास की चर्चे भी खूब है। दिल्ली के शिक्षा के मॉडल के, दिल्ली के स्वास्थ्य के मॉडल, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था की खूब चर्चाएं हो रही। तो अगर 5 साल दिल्ली के सरकारी स्कूल की चर्चा देश विदेश में हो सकता है, अगर 5 साल दिल्ली में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था का चर्चा देश विदेश में हो सकता है, अगर 5 साल में भ्रष्टाचार व्यवस्था बन सकता है तो छत्तीसगढ़ में भी यह संभव है। अगर उनकी नियत होती तो छत्तीसगढ़ बने में 22 साल हो गए, छत्तीसगढ़ आज जहां है उससे कई गुना आगे होता। तो अगर दिल्ली में सरकार बनी, दिल्ली की सरकार ने 5 साल में काम किए, दिल्ली सरकार के
पांच साल के काम से दिल्ली का व्यक्ति को फायदा हुआ। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है। मैं ऐसे बताता हूं कि एक ईमानदार सरकार और बेईमान सरकार में क्या फर्क है कि दिल्ली में अगर ईमानदार सरकार है तो वहां बुजुर्गों का पेंशन 2500 रुपए है। तो अगर घर में आपके माँ बाप बुजुर्ग हैं तो 2500 × 5000, 5000 में खाली पेंशन क्या है। 18 साल की ऊपर की महिलाओं को 1000 रुपए दे जाते हैं। तो अगर ये दिए जाएंगे तो अगर घर में 4 महिलाएं हैं 18 साल के ऊपर तो 4000 ऐसे ही आ जाएगा, 5000 × 9000। 300 बिजली मुफ्त दे रहा है, 300 बिजली। किसी ने कहा कि 2000 रुपए बिजली के यहां खर्चा हो रहा है तो 2000 उसमें भी बच गया 11000 रुपए। तो 11000 रुपए तो ऐसे ही हर गरीब को मिलेगा। अब समझिए अगर ये 11000 रुपए किसी परिवार को मिले तो एक गरीब के लिए 11000 रुपए कितने होते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य तो मैं छोड़ दे रहा हूं, और एक बात बता दूं आपको कि आप अपने घर जाके आकलन करके आप देखना कि आपकी कमाई का आधा खर्चा या तो बच्चों को पढ़ाने में जाता है या घर के लोगों को इलाज कराने में जाता है। 75 साल हो गए इस देश को आजादी मिले हुए। अगर ये केवल दो काम सरकारें कर देती कि हर एक व्यक्ति के हर एक बच्चों की अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था हो और अपने राज्य की अपने देश की हर एक जनता की अच्छे इलाज की व्यवस्था हो, आपकी आधी कमाई की जिंदगी नहीं हो जाती। लेकिन किसी ने आज तक नहीं किया। तो मुझे लगता है कि आजादी के 75 साल बाद भी अगर हमने अपनी जनता को अच्छे इलाज की व्यवस्था न कर पाए, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था न कर पाए तो मुझे लगता है कि फिर किस बात की आजादी। क्यों हमारे लोगों ने इतने अपने बलिदान दिए थे, क्यों शहादत दिया था, क्या उद्देश्य था उनका, क्यों अंग्रेज को भगाया। इसीलिए भगाया ना कि अंग्रेज हमारे यहां हमें शोषण करके अपना घर कर रहे थे। तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि अब ये शोषण हम नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा चाहे तो अपना बलिदान ही क्यों ना देना पड़े लेकिन अंग्रेज से अपने देश को आजादी दिलाएंगे। फिर अंग्रेज ने दिया था। जब ये देखा कि अंग्रेज के खिलाफ यह आवाजें बुलंद हो रही है तो अंग्रेजों ने अपने देश के लोग को धर्मों के नाम पे बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने यहां अपने लोगों को जाति के नाम पे बांटना शुरू कर दिया कि धर्मों के नाम पे बढ़ जाएंगे, जाति के नाम पे बढ़ जाएंगे तो आवाज कमजोर हो जाए। लेकिन हमारे पूर्वजों ने उनकी कितनी भी साजिशें क्यों ना हो सब एकजुट होकर अंग्रेज के खिलाफ लड़े और देश को आजादी मिली। हमारे पूर्वजों को लगा कि अपना बलिदान इसलिए दे रहे कि जब अपने लोग सत्ता में आएंगे तो कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई भूख से नहीं मरेगा, कोई इलाज के बिना नहीं मरेगा, हर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, रोजगार के अवसर मिलेंगे, अपने लोगों को कोई नहीं लूटेगा। लेकिन 75 साल से ज्यादा हो गए, बताइए क्या फर्क है आज और अंग्रेजों में। क्या आज भी ये नेता जाति के नाम पर लड़ाई नहीं लड़ाते? क्या आज ये नेता क्या धर्मों के नाम पर नहीं लड़ाते? क्या आज यही नेता क्या नहीं लूटते? तो फिर क्या फर्क है अंग्रेजों में इनमें? तो मुझे लगता है अंग्रेज तो गए लेकिन शासन व्यवस्था वही रही, लूट का तंत्र वही रहा, शोषण करने का तरीका वही रहा। तो ऐसे मैं मानता हूं कि जब सलाहकार में आप लोग उपस्थित हैं तो आपके लिए जिम्मेदारी है। हमने बाबा साहब पर मान लिया, उनके बाबा साहब ने क्या कहा था? बाबा साहब ने यह कहा था कि अगर हमारा कोई व्यक्ति गरीब है, हमारा कोई नागरिक गरीब है तो उसके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। अगर हमारा कोई नागरिक गरीब है तो उनके घर के लोगों की इलाज की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए।
क्षमा सरकार को करनी चाहिए। 70 साल हो गया, क्या किसी सरकार ने जिम्मेदारी ली कि हमारा कोई छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति गरीब है उनके बच्चों को सरकार पढ़ाएगा? अगर कोई इलाज के बिना मर रहा है, इलाज करने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। लेकिन मुझे गर्व है अपने पार्टी पे, जिस पार्टी का हिस्सा मैं हूं, या आप सब लोग हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आपकी सरकार है। दिल्ली की सरकार ने अरविंद केजरीवाल ने जिम्मेदारी ली कि अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार की है। अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चों के इलाज की जिम्मेदारी सरकार की है। तब मैं कहता हूं कि संविधान गणतंत्र दिवस के 74वें साल बाद ही सही किसी ने बाबा साहब के सपनों को तो साकार किया। अब बाबा साहब को आत्मा की शांति मिली होगी, जिन सपनों को संविधान में बुना था उनके उन सपनों को साकार आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में कर रही है। तो एक बात बताइए कि अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली की जनता ने वोट करके सरकार को चुना, तो उसको हर गरीब को 10 से 12 हजार रुपए की तो ऐसे बताए इलाज और पढ़ाई छोड़ दीजिए, छत्तीसगढ़ का क्या मिलता है, आपको क्या मिल रहा है? संविधान में तो वोट का अधिकार सबका बराबर है, दिल्ली की जनता के जो वोट का अधिकार है जो उसी तरह का आपका भी अधिकार है, तो उसको उतने फायदे और आपको नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि जो सत्ता में आने वाले लोग हैं, एक तरफ ईमानदार सरकार है, बेईमान सरकार है। दिल्ली में जो सरकार है उसकी नीयत अच्छी है, यहां जो सरकार है उनका नीयत खराब है। केवल नियत खराब है, उसका नुकसान जनता को हो रहा है। कई बार लोग कहते हैं कोई जीते कोई हारे, मेरा क्या? अगर दिल्ली की जनता ने सोचते, अगर वहां का लोग ये मानता है कोई जीते कोई हारे मेरा क्या, तो आज उनके घर बिजली मुक्त नहीं आता, उनके घर पानी मुक्त नहीं आता, उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, उनके घर के लोगों का अच्छे इलाज व्यवस्था नहीं होता। दिल्ली के लोगों ने कहा कि ईमानदार पार्टी आई है, इस ईमानदार पार्टी के साथ हम होंगे। बीजेपी कांग्रेस दोनों का जमानत जब्त किया, आम पार्टी की सरकार बनाया, तो आज बिजली भी मुफ्त, पानी भी मुफ्त, शिक्षा भी अच्छा, स्वास्थ्य भी अच्छा। तो दिल्ली को दिल्ली के लोगों ने बदला, दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी की लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाई, तो उसका फायदा दिल्ली के लोगों को मिल रहा है। ये मैं आज आपको कहने आया हूं कि छत्तीसगढ़ को बदलने के लिए कोई और नहीं, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आपने जिम्मेदारी ली कि छत्तीसगढ़ को हम बदलेंगे, तो नवंबर के बाद जो फायदा दिल्ली वालों को मिल रहा है, वो फायदा आपकी जनता को और आपको भी मिलने है। लेकिन ये लड़ाई आप सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। रास्ते थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आज आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर छत्तीसगढ़ में है, लेकिन इसको आप सबको घर घर लेकर जाना पड़ेगा, घर घर जाकर लोगों को बताना पड़ेगा, घर घर जाकर समझाना पड़ेगा कि 75 साल से जाति के नाम पे वोट किया क्या बदला, धर्म के नाम पे वोट किया क्या बदला, समुदाय के नाम पे वोट किया क्या बदला। अब अपने बच्चों के भविष्य के नाम पर वोट करो, अपने परिवार के भविष्य के नाम पे वोट करो, आपके परिवार के लोग को इलाज के बिना न मर जाए इसलिए वोट करो, आपका बच्चा को चाहे कितने भी गरीब करो तो अच्छी शिक्षा मिल जाए इसलिए वोट करो, बिजली मुक्त मिले इसलिए वोट करो, पानी मुक्त मिले इसलिए वोट करो, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था मिले इसलिए वोट करो। सबको आप अपने लिए वोट करने के लिए कहना है। अगर आपने केवल उनको अपने लिए वोट करने के लिए कह दिया, लोग अपने आप जादू को वोट करेंगे, आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं अरविंद केजरीवाल को वोट करेंगे, चाहे किसी भी पार्टी के नेता क्यों ना हो। कल ही मैं किसी से मिल रहा था, वहां पर
मनंतगढ़ में मैं था, कोई किसी ने कहा कि मैं 35 साल से बीजेपी में था, अब आम आदमी पार्टी में आया हूं। हमने कहा 35 साल आपने काम किया, क्या मिला? बोला मिला तो छोड़ दीजिए, पहचानने से भी इनकार कर दिया। तो बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, उनसे नफरत नहीं करना, उनको भी समझाना कि तुमने अपने अपने पार्टी का झंडा तो उठाया, विधायक सांसद तो बने, तुमको क्या मिला? आज अगर दिल्ली में बिजली मिल रही है तो बीजेपी के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो, सबको मिल रहा है। आज अगर दिल्ली में पढ़ाई अच्छी है तो बीजेपी के लोग हो, कांग्रेस को सभी बच्चों की पढ़ाई हो रही है। अगर अस्पताल अच्छा हो गया तो बीजेपी के लोग हो या कांग्रेस के लोग हो, सबके बच्चों की इलाज अच्छा हो रहा है। तो आज अगर दिल्ली की सरकार अच्छा काम कर रही है तो पूरी दिल्ली की जनता को फायदा हो रहा है। तो उनको कहना कि अब किसी पार्टी के लिए नहीं, अपनी भलाई के लिए वोट करो, आपकी भी घर में बिजली मुफ्त आए इसलिए वोट करो, आपके बच्चों को भी अच्छे इलाज मिले इसलिए वोट करो, आपके बुजुर्गों को 2500 रुपए पेंशन आए इसलिए वोट करो, महिलाओं को 1000 रुपए मिले इसलिए वोट करो। मुझे पूरा विश्वास है केवल उनको आपने अपने लिए वोट करने के लिए अपील कर दिया, आप आपके साथ खड़े हो जाएंगे। उन बेचारों की कोई गलती नहीं थी, वो भी भुलाने में थे। तो सबको जोड़ना, सबको कहना कि अब किसी नेता की चाकरी नहीं करना, अपने बच्चों की शक्ल देखो, अपने बच्चों की भविष्य को देखो, जो भविष्य को बेहतर करे उसको वोट करो। कई बार लोग कहते हैं जी कोई सरकार आए मेरा क्या, जी हम गरीब हैं हमारी किस्मत खराब है। नहीं, आप गरीब हैं क्योंकि नेताओं ने आपको लूटा है, आप गरीब हैं क्योंकि नेताओं ने आपको अवसर नहीं दिया, सरकार आपको अवसर नहीं दिया। अगर सरकार रोजगार व्यवस्था की होती तो आप गरीब नहीं होते, अगर सरकार आपके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था की होती तो आप गरीब नहीं होते, अगर सरकार आपके घर के रोज इलाज की व्यवस्था की होती तो आप गरीब नहीं होते। आज दिल्ली में 10,000 रुपए जिन परिवार को मिल रहा है, 12,000 का जिनको हो रहा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और गरीबी पीछा छूटेगा उनका। ये गरीबी आपकी केवल किस्मत नहीं, इन लुटेरे नेताओं के कारण आप गरीब हैं, इनकी अपनी किस्मत मत मानो। अपने किस्मत को बदलना है, और ये किस्मत तभी बदलेगी जब सरकार बदलेगा, जब ईमानदार सरकार आएगा। तो इसलिए मैं आप सबको आज ये कहने आया हूं कि 9 महीने का ये वक्त है, इस 9 महीने में अगर आपने अपना समय छत्तीसगढ़ की जनता के लिए दिया तो नवंबर में जन सैलाब आपके साथ खड़ा होगा, और ये बड़े बड़े मठाधीश जो हैं इनकी जमीन खिसक जाएगी। दिल्ली में बड़े बड़े मठाधीशों की जमीन खिसकी, पंजाब में जो बड़े बड़े सुरमा थे जमानत जब्त हो गए उनका, क्यों? क्योंकि वहां की जनता ने आम आदमी पार्टी की इस मुहिम को अपना मुहिम बनाया, तो बड़े बड़े सुरमा थे वो कहीं दिखे नहीं। तो इसलिए मैं कहने आया हूं कि इस लड़ाई को अब छत्तीसगढ़ की हर एक जनता की लड़ाई बनाना है। मैं आप सबसे अपील करता हूं, ये लड़ाई उसी तरह की लड़ाई जैसे हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था। हमारे पूर्वजों ने जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा तो मकसद क्या था कि ये अंग्रेजों का लूट नहीं चलने देंगे, अंग्रेजों का शोषण नहीं चलने देंगे, ये बंटवारा जो कर रहा बंटवारा नहीं होने देंगे। अब ये जिम्मेदारी अगर आप चाहते हैं कि जिन पूर्वजों ने अपनी शहादत दी उनकी आत्मा को शांति मिले तो उनकी लड़ाई को आपको आगे बढ़ाना है। अब आपको मिलकर यह तय करना पड़ेगा कि हम छत्तीसगढ़ में आप शोषण नहीं होने देंगे, यहां लूट नहीं होने देंगे, यहां धर्मों के नाम पर लड़ने नहीं देंगे, जाति के नाम पर लड़ने नहीं देंगे। छत्तीसगढ़ की एक एक व्यक्ति छत्तीसगढ़ के बच्चों का भविष्य कैसे अच्छा उसके लिए काम करेंगे, जिम्मेदारी आपको लेनी है। याद कीजिए भगत सिंह को,
23 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ गए, क्यों चढ़ा? अगर वो सोचता कि अगर इसमें मेरा क्या लगा, मैं क्यों करूं, तो शायद देश का युवा नहीं जानता 23 साल के लड़के जब फांसी के फंदे पर लटकने जाते थे सोचकर कि हमारे इस तारक से देश का युवा जागेगा और देश को आजादी मिलेगी। उनको नहीं पता था कि जिस फांसी के फंदे पर हम लटक रहे हैं, कभी मुझे लोग याद करेंगे भी कि नहीं करेंगे, आजादी मिलेगी भी नहीं मिलेगी। वो फांसी के फंदे पर लटके युवाओं में वो जोश आया, अंग्रेजों को यहां से भगाया, आज हम उनको नायक की तरह याद कर रहे हैं। तब मैं ये कहने आया हूं कि इतिहास बनाने का वक्त है। बाबा साहब भी कहा करते थे कि जो अपने इतिहास को भूल जाए वो कभी इतिहास बना नहीं सकता, जो इतिहास के जहन में रखे वो हमेशा इतिहास बना सकता है। तो अपने आजादी की जो दीवाने थे, जो सहादत थी, उनके इतिहास को याद कीजिए। आज वक्त है कि फिर से नहा नया इतिहास बनाने का। मुझे नहीं पता कि आज जो बात मैं इस सभागार में आपके बीच में कह रहा हूं, उसको इस याद कैसे याद रखेगा, लेकिन एक बात आपको दावे से कह के जाता हूं कि अगर आज आपने ये ठान ले कि आप छत्तीसगढ़ से इन दोनों पार्टियों को भगाना है, आम आदमी पार्टी की सरकार को बनाना है, और आपके इस कमिटमेंट से अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, आपके 9 महीने मेहनत करते हैं, तो मैं भूल जाऊं, ये भूल जाए, आने वाला इतिहास आपको कभी नहीं भूलेगा। इस मीटिंग को भी इतिहास में याद रखें। तब मैं कहने आया हूं आपको कि ऐसा नहीं है कि जिस शोषण के खिलाफ आप सोच रहे हैं, सोचने वाले देश में नहीं हूं। लगातार आजादी के बाद भी नेताओं की लूट और शोषण के खिलाफ आवाज उठती रही, लेकिन लोगों को नेता नहीं मिला। आज अरविंद केजरीवाल के रूप में आपको नेता मिला है और नवंबर में चुनाव का मौका भी है। चूकना नहीं, अगर चूक गए तो इतिहास माफ नहीं करेगा। मुझे यह लगता है कि जो शोषण आपने झेला, जो दंश आपने झेला, जो आपके साथ लूट का शिकार हुए, आपके बच्चे ना हो उस शोषण के शिकार, ये जिम्मेदारी आपको लेनी है। और ये जिम्मेदारी लेकर बदलाव तभी आ सकता है जब नवंबर में आम आदमी पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनती है। इसलिए मैं आप लोगों से आह्वान करने आया हूं कि ये 9 महीने अपने आप को भूल जाए। ये भूल जाना कि मुझे कोई पद मिला या नहीं मिला, ये भूल जाना कि मुझे कोई देख रहा है नहीं देख रहा, मुझे कोई जान रहा है नहीं जान रहा। ये भी एक उत्सव है, जब घर में आग लगे तो ये नहीं देखते कौन आगे बढ़ के बुझा रहा है, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी तय करके काम करते कि आग बुझ जाए। छत्तीसगढ़ में किसी तरह की आग नेताओं ने लगाया हुआ है, अब इसको बुझाना है, नया छत्तीसगढ़ बनाना है। तो इसीलिए जिसकी जहां जो कमी देखे आप उस पर काम कर लो, भूल करके कि मुझे क्या मिलेगा। अगर आपने ये कन्विक्शन के साथ काम किया तो छत्तीसगढ़ के लोगों को भला हो सकता है। यहां बहुत बड़ी संख्या में मातृ शक्ति भी बैठी हुई है, हमारी बहनें भी बैठी हुई, बहुत सारी आप सब लोगों ने आदिवासी पार्थिक नृत्य भी आपने किया, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा कोई भी लड़ाई हो उस लड़ाई के अगुवा युवा और महिलाएं होती। अगर आपने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाकर लड़ा तो छत्तीसगढ़ को आजादी मिलेगी। और ये मैं इसलिए कह रहा क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह झाड़ू है और आप झाड़ू से घर की सफाई करते हैं, अब जरूरत आ गया है किसी झाड़ू से व्यवस्था की सफाई को करनी है। आप झाड़ू से अपनी घर की सफाई बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं, अब उतनी जिम्मेदारी से झाड़ू लेकर बाहर निकलना है, अब व्यवस्था की सफाई करनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप घर की सफाई जिम्मेदारी से करती हैं और व्यवस्था की सफाई भी आप जिम्मेदारी से करेंगी। तो मैं आपको यह कहने आया कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने लिए,
अपने परिवार के लिए अब इस झाड़ू को लेकर घर से बाहर निकल जाओ, इस व्यवस्था की सफाई आप करो। तो मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं कि आप जहां कहीं भी जाए ये समझाने का ये वक्त है कि अब अपना भला, परिवार का भला तभी हो सकता है जब आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी। और ये इसलिए क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में हर गरीब का भला हो रहा है, तो अगर दिल्ली में हो रहा है यहां भी हो सकता है। अगर मान लीजिए फिर से भाजपा आ गया तो क्या भला करेगा, वो पहले फिर लूटेगा। अगर फिर से कांग्रेस आ गया तो 5 साल लूटा लूट और जारी रहेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने काम किया, वादा कर रहा है यहां भी करेगा, इसलिए आम आदमी पार्टी के साथ करे रहना। तो मैं आप लोगों को आज अंतिम में यही निवेदन करता हूं कि अपना चुनाव चिन्ह झाड़ू है और ये झाड़ू अपने आप में संदेश देगा कि झाड़ू की एक तिल्ली से अगर गंदगी की सफाई करेंगे तो गंदगी साफ नहीं होगा। अगर सारी तिल्ली एक साथ मुट्ठी में आ जाए तो गंदगी कैसी भी क्यों ना हो उसका सफाई हो सकता है। तो अगर ये लड़ाई कोई चंद लोग लड़ेंगे तो ये लड़ाई नहीं जीती जाएगी। जब सब लोग आप इकट्ठा हो जाएंगे तो व्यवस्था की गंदगी कैसी भी क्यों ना हो वो गंदगी की सफाई होगी। तो इसीलिए एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ना, नौजवानों को, महिलाओं को, सबको एकजुट होना, ये एकजुटता छत्तीसगढ़ के लूट के खिलाफ होगा, ये एकजुटता भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, शोषण के खिलाफ होगा। तो आह्वान करता हूं कि आप सब लोग लूट के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आप सबको एकजुट होना। तो क्या मैं मान के चलूं कि अभी जो हम देश में 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं, आज सब लोग इस बात के लिए तैयार है कि 9 महीने अब इस लड़ाई को आप लोग लड़ेंगे, मान के चलूं? हाथ उठा के बता दीजिए, हाथ उठा के बता दीजिए। और आप लोग जो पार्टी नृत्य कर रही थी, अब जहां कहीं भी जाना है नृत्य भी करना, क्रांति भी करना है। अब समझाना है लोगों को कि नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, अब कांग्रेस बीजेपी की नहीं अपनी सरकार बनानी है, आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है। अपनी सरकार इसलिए कि आम आदमी पार्टी केवल एक बात ऐसी पार्टी है जो गरीबों के लिए काम करती है, विजय करके दिखाई है। तो हर लोगों को अपने अपने तरीके से लोगों को जगाना है। शरण में आप लोग जगाएंगे लोगों को, अपनी सरकार बनाएंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे, 9 महीने आप समय लेंगे सारे काम छोड़ करके। ये सबसे महत्वपूर्ण काम इसलिए कि जैसा मैंने पहले कहा कि आपका भाग्य आपका सरकार बनाती है और आपका भाग्य वही सरकार बिगाड़ती भी है। तो अभी 15-20-22 साल में आपका भाग्य कैसे बिगाड़ा है आपने देखा है। लोगों के लिए एक मौका आम आदमी पार्टी को दे दो, अगर 5 साल में नहीं किया तो बदल देना, लेकिन 5 साल में हमारा भाग्य बदला तो छत्तीसगढ़ अपने आप बदल जाएगा। सहमत है ना? सहमत है ना? एक बार जोर से बोल दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और अभी नारा लगा रहे थे पर नारे में वो दम नहीं था, नारे में ताकत के बाद आपके अंदर गुस्सा हो व्यवस्था के खिलाफ, तो आपकी आवाज दर्शाता है कि आपके अंदर क्रांति क्रांतिकारी कितना है। तो हम नारा लगाते हैं, दिल्ली में सरकार बनी आम आदमी पार्टी की, दिल्ली बदला, पंजाब के लोगों ने सरकार बनाया, पंजाब बदला। तो छत्तीसगढ़ में हमने कहा कि दिल्ली बदलिश, पंजाब बदलिश, अब बदलो तो नारा लगाते हैं क्योंकि यही नारा आपको गांव में लगाना है, दिल्ली बदलिश, पंजाब बदलिश, दिल्ली बदलिश, पंजाब बदलिश, दिल्ली बदलिश, पंजाब बदलिश। आज जब बाबा साहब को माल्यार्पण कर रहे थे तो हम सब ने
किस तरह से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से लड़ा, तो अब याद दिलाना है। हमने कहा ना कि जो इतिहास को जहन में ना रखे वो इतिहास नहीं बना सकता। इतिहास के जहन में खुद को भी रखना है, दूसरों को भी रखवाना है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, और अब अपील भी करना है कि निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, निकलो बाहर मकानों से, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, छत्तीसगढ़ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।